हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको टॉपिक में दिख रहा है, नेशनल सिंबल ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो दोस्तों, हमारा कोई भी भारत का एग्जाम होता है, चाहे वह मध्य प्रदेश का हो, इसके अलावा SSC, PSC, MPPSC, रेलवे, बैंक, किसी का भी एग्जाम हो, इस वीडियो में से दोस्तों आपको दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी दोस्तों, आपके इस वीडियो को देखने से सिर्फ दो नंबर पक्के तो जरूर हो जाएंगे। तो ऐसा इस वीडियो में क्या है दोस्तों, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आपको दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, आप सिर्फ एक बार देख लें वीडियो को, आपको अपने आप याद हो जाएगा और आपके दो नंबर सही हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। दोस्तों, ये हमारा देश भारत और उसके बाजू में ये छोटा सा देश दिख रहा है आपको, पाकिस्तान। तो दोस्तों, आपको विश्व मैप में मैंने पाकिस्तान के बारे में बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय फ्लैग की। तो दोस्तों, पाकिस्तान का ये राष्ट्रीय फ्लैग है जिसमें एक तरफ सफेद है और एक तरफ हरा रंग है। इसके अलावा चांद और सितारों को दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये जो पाकिस्तान है उसका राष्ट्रीय फ्लैग है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट की जो पाकिस्तान की हैं। तो पहला है, पाकिस्तान को स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है 14 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को यह अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान का राष्ट्रगान है कौमी तराना। तो दोस्तों, आपको याद रखना है पाकिस्तान का राष्ट्रगान है कौमी तराना। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। तो दोस्तों, कुछ लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है और राजधानी कौन सी है। तो आज आपको कंफ्यूजन मिट जाएगी। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और जो शहर है सबसे बड़ा वह है कराची। नेक्स्ट है दोस्तों, पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो उर्दू और अंग्रेजी पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा है। इस्लामिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य बना था। दोस्तों, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मुद्रा क्या है पाकिस्तान की? तो पाकिस्तान की राष्ट्रीय मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। तो दोस्तों, ये आपको याद रखने हैं, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो चकोर। जैसा कि आप दोस्तों चित्र में देख पा रहे होंगे, फोटो में आपको दिख रहा होगा, ये चकोर पक्षी है, बहुत ही सुंदर है और ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है मारखोर। दोस्तों, चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ये है मारखोर जो पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो यह जैस्मिन। दोस्तों, जैस्मिन पाकिस्तान का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? तो हिमालयन केडार। दोस्तों, पिक में आप देख पा रहे होंगे, ये हिमालयन केडार जो वृक्ष है, यह है पाकिस्तान के राष्ट्रीय पेड़ है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय नदी किसे घोषित किया है पाकिस्तान ने? तो इसका सही ऑप्शन है सिंधु नदी को, जो भारत से भी होकर निकलती है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मिठाई क्या है पाकिस्तान की? जिसका सही ऑप्शन है गुलाब जामुन। गुलाब जामुन, जिसे हम भारत में रसगुल्ला के नाम से भी जानते हैं, यह मिठाई है पाकिस्तान में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फल क्या है पाकिस्तान का? तो आम दोस्तों, राष्ट्रीय फल है पाकिस्तान का। संसद का क्या नाम है पाकिस्तान की? तो मजलिस ए शूरा या सेनेट, यह पाकिस्तान की संसद का नाम है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पाकिस्तान विश्व में 36वें स्थान पर मौजूद है और वहीं अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो 6वें स्थान पर पाकिस्तान मौजूद है। दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान के राष्ट्रपति की। तो आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। दोस्तों, ये वीडियो मैं 2020 जनवरी में बना रहा हूं, तो इस टाइम पे राष्ट्रपति जो है वह है आरिफ अलवी। आप इसे अपग्रेड कर लें अगर आगे कभी आप वीडियो देखते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वह हैं इमरान खान। अब दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान की। अब मैंने आपको दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि यहां से हमेशा एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ये हमारी एक सीरीज है, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसे दोस्तों, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो गया। इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों,
भूटान और नेपाल का वीडियो मैं आपको लेकर आने वाला हूं। तो मैप में आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा देश भारत है और इसके बाजू में ये है छोटा सा देश अफगानिस्तान, जो हमारे जम्मू से लगता है। तो आपको मैप में देख क्या होगा, ये है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का दोस्तों ये राष्ट्रीय झंडा है, जिसमें काला कलर, लाल कलर और ये हरा कलर, ये तीन कलर से मिलकर पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा यानी नेशनल फ्लैग बनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं अफगानिस्तान की स्वतंत्रता की। तो अफगानिस्तान को स्वतंत्रता 19 अगस्त 1919 को मिल गई थी। दोस्तों आपको याद रखना है, कैसे याद रखेंगे इसके बारे में बता दें, तो 1919 को मध्य प्रदेश जो सॉरी भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इसी वर्ष अफगानिस्तान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो ये दोस्तों एक कुछ ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजधानी किसे बनाया गया है, तो काबुल को अफगानिस्तान की राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया है। दोस्तों अफगानिस्तान की राष्ट्रीय भाषा पश्तो और फारसी है। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान का जो राष्ट्रगान है वह है मिल्ली सुरत, यह अफगानिस्तान का राष्ट्रगान है। दोस्तों अफगानिस्तान की जो करेंसी है वह अफगानी है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। अब बात करते हैं अफगानिस्तान के राष्ट्रीय खेल की, तो बुचकाशी, ये दोस्तों घोड़ों की एक रेस है, ये अफगानिस्तान का एक राष्ट्रीय खेल है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की, तो गोल्डन बाज यानी जिसे हम इंग्लिश में गोल्डन ईगल के नाम से भी जानते हैं, यह है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है। नेक्स्ट है, जो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है वह क्या है, तो वर्फ का चीता अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय फूल तुलुप, यह है अफगानिस्तान के राष्ट्रीय फूल है, तुलुप का फूल राष्ट्रीय फूल है, ये बहुत ही सुंदर होता है दोस्तों। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, तो अफगानी पाइन जो है वह अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पेड़ है। चित्र में आप देख भी पा रहे होंगे, ये अफगानी पाइन राष्ट्रीय पेड़ है अफगानिस्तान का। दोस्तों राष्ट्रीय फल पीच, ये दोस्तों नाशपाती टाइप से दिख रहा है या हो सकता है नाशपाती हो, ये अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो अफगानिस्तान की संसद है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है शूरा, शूरा के नाम से अफगानिस्तान की संसद को जाना जाता है। और दोस्तों ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में हर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने मिल जाता है कि पाकिस्तान या अफगानिस्तान या नेपाल, इनकी संसद का नाम क्या है। अब बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपिता की, तो अफगानिस्तान की राष्ट्रपिता अहमद शाह दुरानी है, जैसे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है उसी प्रकार से अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपिता हैं वह अहमद शाह दुरानी है। दोस्तों अब बात करते हैं वर्तमान राष्ट्रपति की, तो अशरफ गनी अहमद अजाई, ये अफगानिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं और अब्दुल्ला वर्तमान प्रधानमंत्री हैं अफगानिस्तान के। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया है और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको उसी के अंतर्गत वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसके अलावा दोस्तों इसके और भी जो स्टैटिक जीके है और हमारी इस सीरीज में अब नेक्स्ट पार्ट होगा नेपाल और जो भूटान है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वहां के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बताने वाला हूं, तो बहुत ही जल्द वो वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक लेकर आता रहूंगा, छोटे छोटे वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।